अभी तक सभी टीवी चैनलों पे, सब टीवी चैनल वाले, सब मीडिया वाले अलग अलग सर्वे करा रहे हैं कि आने वाले पंजाब चुनाव में किसको कितने वोट पड़ेंगे, किसको कितनी सीटें मिलेंगी। लगभग सभी सर्वे में, आम आदमी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर रही है। किसी में 57 सीट दिखा रहे हैं, किसी में 58 सीट दिखा रहे हैं, किसी किसी में 60 सीट भी दिखा रहे हैं। तो ऐसे लग रहा है बस पहुंच ही गए हैं, बस दो कदम और बचे हैं, बस दो तीन सीट का और मसला है। तो एक तो मैं अपने सारे वॉलंटियर्स को कहना चाहता हूं कि आखिरी धक्का मार दो सारे जने और सरकार बन जाएगी। और एक सभी पंजाब के लोगों से अपील करना चाहता हूं कि बस अब आखिरी धक्के की जरूरत है, आखिरी पुश की जरूरत है। वोटिंग वाले दिन सारे जने जम के वोट डालना कि बस ये आखिरी चीज भी। सबसे निवेदन है कि ये 60 नहीं, कम से कम 80 सीट, 80 के ऊपर आनी चाहिए। तो सारे जने धक्का मारो, आखिरी धक्का मारो। सारे वोटर्स जो हैं खूब जम के वोट डालो, प्रचार भी करो, अभी 20-25 दिन बचे हैं, और सारे वॉलंटियर्स भी खूब मेहनत करो। तो ये तो लगभग तय हो चुका कि आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। तो आम आदमी पार्टी का जो भी सीएम चेहरा होगा वो पंजाब का अगला सीएम होगा, ये भी अब लगभग तय है। तो आम आदमी पार्टी का सीएम चेहरा कौन होना चाहिए? अक्सर देखने में आया कि पार्टियां अपने, कोई अपने बेटे को बना देता है सीएम का चेहरा सीएम, कोई अपने बहू को बना देता है, कोई अपने घर वाले को बना देता है। भगवंत मान जी हमारे बहुत प्यारे हैं, मेरा छोटा भाई है, आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े नेता हैं। हम भी अपने कमरे में बैठ के, मैं तो कह रहा था कि भगवंत मान को बना देते हैं। भगवंत ने कहा नहीं, जनता से पूछना चाहिए सर। भगवंत ने कहा कि जो जनता मेरे को जिम्मेदारी देगी वो जिम्मेदारी मैं पूरी करूंगा। ये बंद कमरे पे सीएम का चेहरा डिसाइड करने का ये सिलसिला बंद करना चाहिए सर। तो मैं पहले भगवंत को ही कहूंगा कि आप अपना विचार रखो, उसके बाद मैं रखो। बहुत बहुत मेहरबानी। बिल्कुल सही किया सीएम साहब ने, ते वो कहंदे भी जो तेरा नाम है वो डिक्लेयर कर देने हैं सीएम वास्ते। मैं कहा जी सर आम तौर पर पार्टियां सीएम लोगों से थपदियां ने कि साडा आ कोटे चो होगा, साडा ऐस कोटे चो आ होगा, ऐस कोटे चो आ होगा, लोगों को पुछदियां नहीं है। जबकि 5 साल लोगों के दुखा सुखों के सीएम ने जाना होंगे। तो मैं क्या जी सर आप लोगों चो निकले हैं, क्यों ना ये भी लोगों तो पूछ लिया जाए कि आम आदमी पार्टी के नेतावान चो तुसी किनू चाहते हो कि ये जिम्मेदारी जिहड़ी है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है मुख्यमंत्री की पंजाब की, वह किनू मिले। तो इन्होंने कहा ओके भगवंत जी तू चाहना है, क्योंकि जी मैं फिर कहना कि मुख्यमंत्री ने सूबे के लोगों के दुखा सुखों काम आना है, तो जे उन्हों की मनपसंद का चुनिया होया तो लोगों को यह कॉन्फिडेंस रहा कि हाँ साडा ही बंदा है, असी इनू अगे किया हो। कल कोई किसी ने बांह फड़ के रोकना भी हो गए रोक सकता है कि भाई तेरे मुख्यमंत्री बनाने च साडा भी हिस्सा है। सो एक नंबर 70748 70748 यह जारी कर दिता गया। ये तो SMS करके जब कॉल करके जब WhatsApp पे मैसेज करके तुसी अपना मनपसंद मुख्यमंत्री का चेहरा
दस सकते हो तो उन्होंने जोड़ा डाटा कट्ठा होगा वो रिजल्ट क्ड के थोड़े सामने मुख्यमंत्री जोड़ा पंजाब का जिमें कि सी एम साहब ने कहा कि लगभग मुख्यमंत्री का चेहरा ही चुनगे लोग कैंडीडेट नहीं चुनगे। सो मैं पार्टी का वफादार सिपाही हाँ, मेरी ड्यूटी चाहे कंधा के उत्ते पोस्टर चिपकाने की ला दी जाए मैं वह भी करूँगा। मेरी ड्यूटी भावें किसी शहर च किसी चौंक च खड़ा होकर झाड़ू लहराने की ला दी जाए मैं वह भी करूँगा। मेरे लिए पंजाब इंपोर्टेंट है, मेरा पंजाब ठीक हो जाए। मैं कोई बहुत वे वे शोहरत मैं बहुत व्डिया मशहूरियाँ देख के आया। सो मैं उन्होंने चीज़ों की कोई चाहत नहीं, पर हाँ सीएम साहब ने मेरे ते इन्ना ज़्यादा माण किया, मेरे ते इन्ना ज़्यादा विश्वास किया, उसकी कोई कीमत नहीं। सो ये नंबर जिहड़ा जारी कर दिता गया अगे जानकारी लिए फिर दोबारा। तो आज हम ये नंबर जारी कर रहे हैं 70748 70748 70748 70748। पंजाब के लोगों से मेरी विनती है कि ये शायद भारत में पहली बार हो रहा है, 1947 के बाद इतने चुनाव हुए आज तक किसी पार्टी ने जनता से नहीं पूछा कि हमारा सीएम चेहरा कौन होना चाहिए। पहली बार आम आदमी पार्टी जनता से पूछ रही है कि भाई अब सरकार बनने जा रही है, हम नहीं तय करेंगे, आप तय करो कि सीएम चेहरा कौन होना चाहिए, जिसको आप कहोगे हम उसको सीएम चेहरा बनाएंगे। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हो, इस नंबर पे आप एसएमएस कर सकते हो, इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हो और कॉल करके अपनी आवाज छोड़ सकते हो। 17 तारीख को 5 बजे तक शाम को यह नंबर खुला रहेगा। आज 13 तारीख है, 17 तारीख को शाम को 5 बजे तक ये नंबर खुला रहेगा। उसमें जितने भी जवाब आएंगे, लोगों के जितने रिस्पॉन्स आएंगे, उसके आधार पे आम आदमी पार्टी अपना सीएम चेहरा ऐलान करेगी, उसके मुताबिक पंजाब का अगला सीएम तय किया जाएगा। अगर आपके कोई प्रश्न है तो आप। हमारी अपनी पर्सनल पसंद इंपॉर्टेंट नहीं है, पंजाब की पसंद इंपॉर्टेंट है। उसका जवाब दे दिया हम लोगों ने आज। हाँ, मेरा कहने का मतलब ये है, जवाब आप दे देंगे सर, एक्सपर्ट है आप इसमें, पर दूसरी पार्टीज भी कर रही हैं, उनको नोटिस किसी को नहीं हुआ है, उन्होंने फेसबुक पे भी डाला है, आपको ही हुआ है। ये प्रश्न तो आपको उन्हीं से पूछना चाहिए, इलेक्शन कमीशन से। मैं इसका क्या जवाब दूं? अरविंद जी, हम ये कह सकते हैं कि भगवंत मान साहब के नाम पे पार्टी में एक राय है, लेकिन जो आपने कहा कि ऐसा पहली बार होगा कि कोई पार्टी जनता से राय लेके सीएम चेहरे का ऐलान करेगी, तो वही अब जो जनता के बीच में आप जा रहे हैं ताकि उस पर मोहर लग सके, हम कह सकते हैं पार्टी की ओर से भगवंत मान ही चेहरे के तौर पे तय। पार्टी उसी चेहरे पे मोहर लगाएगी जो जनता कहेगी। मैं तो ये कहूंगा कि जनता अपना पसंदीदा सीएम चुन ले, कोई बाहर का होगा, भगवंत उनके घर जाके उनको लेके आएगा। हमें अच्छा सीएम चाहिए पंजाब के अंदर, ये पार्टी वो पार्टी फलाना सारे अपने हैं, 3 करोड़ पंजाबी अपने हैं अपने को। हमें आम आदमी पार्टी हमारे लिए प्यारी नहीं है, हमारे लिए देश प्यारा है, हमारे लिए पंजाब प्यारा है। पंजाब की तरक्की के लिए पंजाबी कहेंगे जी ये सीएम होना चाहिए, वो आम आदमी पार्टी का सीएम चेहरा होगा। सर, एक सवाल आप पूछना चाहेंगे, जहां पे कांग्रेस या बाकी पार्टीज पंजाबियत की बात कर रहे हैं, तो पंजाब से ही होगा जैसे आप बोल रहे थे, यहां पे कोई और चेहरा आप अपने आप को कंटेंडर मान रहे हैं? हमने तो निर्णय 3 करोड़ पंजाबियों पे छोड़ दिया, जो जनता कहेगी जी ये होना चाहिए वही होगा हमारा। नहीं, तो अरविंद केजरीवाल नहीं, अरविंद केजरीवाल टक्कर में नहीं है। बिल्कुल नहीं है, मैं समझ गया आप लोगों को शायद ये शक हो रहा है, अरविंद केजरीवाल बाहर है इस कंपनी। केजरीवाल जी, एक सवाल है। एक मिनट, वो कई देर से बोल रहे हैं। पंजाब के दूर व्यक्ति पार्टी रुक तो जाने किसान लड़ाई समय की मांग है, दुखी कम सब पे भी है।
किसानों के साथ ममता बनर्जी किसानों ना कौन जी ममता बनर्जी अलायंस पर लेकर किसानों के साथ उसकी क्या जान नहीं किसानों का अलायंस सभी दिमाग किसी का वो तुझे क्या पुट गया कल थोड़ा ध्यान आ गया की पिछलोगी कर सकते हैं ममता बनर्जी आप स्टेट का थोड़े ऐसा हो रहा है क्या नहीं वो कह रहे हैं कि क्या ममता बनर्जी बिचौलगी कर सकते हैं आम आदमी पार्टी और किसानों का समझौता कराने के लिए देखिए हमारे लिए जैसा मैंने कहा हमारे लिए तो पंजाब इम्पोर्टेंट है पंजाब की तरक्की के लिए जितनी भी ताकतें हैं सबको साथ आना चाहिए तो अगर उस साथ लाने के लिए अगर कोई भी अगर वो करता है हमारे तो को, हमें कोई दिक्कत नहीं है सबको साथ आना चाहिए जो भी आज पंजाब की तरक्की चाह रहा है जब हम अपना मुख्यमंत्री का डिसीशन पंजाब के 3 करोड़ लोगों पर छोड़ रहे हैं तो हम तो चाहते हैं कि पंजाब की तरक्की में जितने भी लोग हैं सब लोगों को साथ आना चाहिए केजरीवाल जी एक सवाल है अभी आपने कहा कि भगवंत जी खुद लेकर केजरीवाल जी एक सवाल है अभी आपने कहा कि भगवंत जी खुद लेकर आएंगे अगर वो किसी और को पसंद करेंगे तो वो कोई पार्टी से भी हो सकता है किसी और पार्टी से हो सकता है या कुछ ऑप्शन है कि अपने ही विधायक है अपने ही जिनको सर दी गई है उनमें से लोग आप थोड़ा सा जनता पे यकीन रखिए 4 दिन की बात है 5 दिन की बात है जो नतीजे आएंगे वही करेंगे अब जनता क्या कहेगी मैं क्या कह सकता हूँ हम तो इतना ही कर सकते थे हमने अपने हाथ काट के हमने जनता के सामने रख दिया अब जनता तय करेगी 17 तारीख को शाम को 5 बजे तक ये टेलीफोन लाइन